सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दे हम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। उम्मीदवार ऐलाने जाण तों बाद अमृता वड़िंग और मनप्रीत सिंह बादल हुणा दा पहला बयान सामने आया है। तुहानू दस दईए कि अमृता वड़िंग दे वलों जिथे हाईकमान का धन्नवाद किया गया, उथे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का भी धन्नवाद किया गया है। तुहानू दस दईए कि अमृता वड़िंग का कहना है कि बेशक राजा वड़िंग उन्हां दे पति ने, पर पहला वह कांग्रेस के सूबा प्रधान ने, सो बतौर सूबा प्रधान उन्हां दा धन्नवाद किया। और इहदे नाल ही पत्रकारां दे सवालां दा जवाब भी अमृता वड़िंग दे वल्लों दित्ता गया। और डिंपी ढिल्लों और मनप्रीत बादल जो कि गिदड़बाहा तो मैदान दे विच उतरे ने, और मनप्रीत बादल भाजपा तो उम्मीदवार ने, डिंपी ढिल्लों आम आदमी पार्टी दे वल्लों उम्मीदवार ने, और इन्हां दे नाल मुकाबले बारे जो सवाल पूछा गया तो अमृता वड़िंग ने सीधे शब्दों में आख दिता कि उन्हां दा मुकाबला किसी दे नाल नहीं है, उन्हां दा टीचा गिदड़बाहा जितण दा है, और गिदड़बाहा दे लोकां दे कोलों उन्हां नूं परिवार वर्गा ही प्यार मिल रहा है। सो जित दा दावा कर दिता गया है अमृता वड़िंग दे वल्लों, ते नाल दे नाल ए वी आख दिता गया है कि पूरा परिवार मिल के कैंपेनिंग करेगा। और जिथों तक मनप्रीत बादल हुणा दी गल है तो तिखा हल्ला मनप्रीत बादल दे उत्ते बोलिया गया है कि मनप्रीत बादल तो अपने परिवार दे सखे नहीं होए, तो वह गिदड़बाहा दे लोकां दे सखे कित्थों हो जाणगे। मनप्रीत बादल ने एक नहीं बल्कि कई पार्टियां बदलियां ने, और सब तो ज़्यादा पार्टियां बदलण वाले अगर कोई लीडर वजो जाने जाते हैं तो वह मनप्रीत बादल ही ने। दूसरे पास डिंपी ढिल्लों की गल कर ली जाए तो वह भी हाल ही दे विच अकाली दल छड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए ने, और जिहड़े लोग महज अपना घर भरन दे लई टिकटां हासिल करन दे लई अपनी मां पार्टी नूं छड सकदे ने, तो फिर वह लोगों के किवें सखे हो सकते हैं। कह सकते हैं कि अमृता वड़िंग ने विरोधियों नूं घेरन दे विच किसे तरीके की कोई कोर कसर नहीं छड़ी है। टिकट मिलन तो पहला भी काफ़ी सरगर्म भूमिका दे विच अमृता वड़िंग नज़र आए सी, और लुधियाणा दे विच जदों लोक सभा चोणां सी उस समय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े अमृता वड़िंग नजर आए सी। उदों भी महिलावां दे नाल राबता जो है अमृता वड़िंग दे वल्लों बनाया गया सी, और उदों ही कुछ क्या सारियां जरूर लग रही सी कि अमृता वड़िंग भी सियासत दे विच एंट्री कर सकते ने, क्योंकि लोकप्रियता जो है वह दिन ब दिन अमृता वड़िंग दी जिस तरीके नाल वध रही सी, और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी किते ना किते बयानां दे विच दावा करदे सन कि अमृता वड़िंग जो ने उन्हां नूं अगे लियांदा जा सकता है, उन्हां नूं टिकट दित्ती जा सकती है, पर आखिरी फैसला जो होएगा वह हाईकमान का होएगा, तो आखिरकार हाईकमान दे वल्लों अमृता वड़िंग दे नाम दे उत्ते जो मोहर है वह लगा दित्ती गई है। सो हॉट सीट इस समय गिदड़बाहा बन चुकी है अमृता वड़िंग दे मैदान दे विच आउण दे नाल, ते ए मुकाबला जो है ये काफ़ी हुण फसवां मुकाबला बनता जा रहा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हुणा दा भी कुछ समय पहला बयान सामने आता है, वह भी आखते हैं कि दल बदलुआ नूं लोक मूँह नहीं लगाते, क्योंकि दल बदलू टिकट जरूर हासिल कर लेंगे ने, पर लोगों का भरोसा उन्हों तो खुस जाता है, लोगों का भरोसा हासिल नहीं कर पाते, इस करके अमृता वड़िंग की जित का दावा राजा वड़िंग दे वल्लों भी किया जा रहा है। और हल्के गिदड़बाहे की गल कर ली जाए तो काफ़ी मजबूत पकड़ जो है वह राजा वड़िंग के परिवार की उत्थे दसी जाती है। हालांकि दूसरे पास मनप्रीत बादल का जिक्र कर लिया जाए तो 1995 वाला इतिहास रचन में फिरते ने मनप्रीत बादल, और उन्होंने वल्लों यह दावा भी किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जित जो है वह भाजपा की झोली दे विच पाई जाएगी, और लोगों के जो मसले ने वह केंद्र के सामने चुकणगे और उन्होंने हल भी करवाया जाएगा। लेकिन इस वाद विवाद का हल की निकलेगा, लोग किस ते हक दे विच नितरदे ने, ए वोटिंग दिन और नतीजे का जो दिन होएगा वह तय करेगा कि किस दे सिर ते गिदड़बाहा दे लोकां ने ताज सजाया है। फिलहाल कह सकते हैं स्थितियां गिदड़बाहा दे विच बेहद दिलचस्प बन रही ने, खास तौर पर अमृता वड़िंग हुणा दा मैदान दे विच नितरना ये वड्डे वड्डे दिग्गजां दे लई इस समय किसी चुनौती तो घट नहीं है। अमृता वड़िंग अपने बयान दे विच होर की कुछ कह रहे ने, आओ सुनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ परमात्मा दी, कांग्रेस पार्टी दी, लोकां दी, एंड डेफिनेटली राजा वड़िंग जी दी, भावें मेरे हस्बैंड है पर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी ने, भावें मेरे हस्बैंड है पर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी ने, बड़ा एक साथ हुंदा है परिवार का, हमेशा बड़ा कुछ सीखने भी मिले राजा जी को, तो मैं सब दी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पार्टी ने उम्मीद जताई है कितों तक खड़े उतरोगे? हमेशा वेखो लोगों का साथ है, लोगों का साथ मिलता रहा है,
और लोगों की उम्मीद से सदा खरे उतरे हैं और हर इलेक्शन के जित लोगों की होंगी और ये इलेक्शन भी लोगों की जित भी लोगों की होगी। बाई इलेक्शन बड़ा टफ होंगे, बड़ा मुकाबला होंगे, है ना, हर एक के घर जाना, किस तरह का प्यार मिल रहा है? मैं तो कभी कोई इलेक्शन टफ नहीं लगे, ये भी बिल्कुल टफ नहीं, बिकॉज कम दबके करने चाहिए है, आपकी लोगों की उम्मीदा से खरे उतरना चाहिए है, मगरों फिर लोगों की कचहरी छड़ देना चाहिए जो उन्होंने चंगा लगे। राजे की जो तो चोन होंगी राणी अगे आ इस बार राजा अगे आऊ जा राणी अगे निकली कंपनी? देखो सारे ने हमेशा आपको अपना जोर लाया परिवारक तौर पर और इस इलेक्शन के भी परिवार एक सार कट्ठे कैंपेन करा, ये तो तुम लोग अगे पिछे कर देने, वैसे असि तो कट्ठे ही है। एक पासे डिंपी ढिलों ने, दूसरे पासे मनप्रीत बादल ने, मुकाबला किन्ना ना मानते हो? किसे नाल? बिल्कुल किसे नाल मुकाबला नहीं, मेरा टीचा अखीर ते आके जित हासिल करना और आसे पासे देखो विरोधियों ने चोन लड़नी है, उन्हां दा हक है सब कुछ, ये हक दे नाल हर बंदे करदे ने, प्रचार भी करना है, पार्टी छड के लीडर चले जांदे है, किन्ना पसंद करदा, कोई फर्क पै गया जां सोना कुछ करदा? देखो जिन्ने विरोधी है सब ने आपो अपना समान जिस पार्टी दे विच आए, जिस पार्टी चो सियासत शुरू की, उस पार्टी तो घर बार बना लिया, सब कुछ ले लिया, पदवियां ले लिया, मान इज्जत हासिल कर लिया और उदू बाद पार्टी नू धक्का दे के ते नवी जाके शामिल हो गए। एक विरोधी तो यह जी है जिन्होंने हद ही करती, एक छड़ी पार्टी, दूजी छड़ी, तीजी छड़ी, चौथी के पंजवी पार्टी च, तो इस तरह के बंदा तो मैनू लगता है जिहड़े आप दे सके परिवार दे नहीं हुए, जिस पार्टी ने मंत्री बनाया, अकाली दल ने भी बनाया बड़ी बार, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने भी बनाया, वह तो समान जिवें एक घर तो कट्ठा किया, फिर दूजे च वड़ गए, फिर दूजे तो कट्ठा किया, फिर तीजे च वड़ गए, फिर तीजे चो कट्ठा किया, एक 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 इंसान तो है ही इस तरह के। मेरे जिन्ने विरोधी है ना भाई, वह किसी के सके नहीं हुए, जिहड़े आपदियां दे सके नहीं हुए, लोगों के सके कभी नहीं हो सकते। पिछले वारी मुकाबला काफी टफ रहा जी, नहीं टफ नहीं सी मुकाबला, जो लोग बहुत वड्डे वड्डे मार्जिन से हारे ना उदो गिदड़वा लोगों ने कायम रखा, वह टफ नहीं सी, बिल्कुल 100% आने वाले दिन। सुनिया जिथे जित का वड्डा दावा अमृता वड़िंग दे वल्लों कर दिता गया है, उथे ही विरोधियों के उत्ते भी निशाने साध दिते गए ने, और जेकर गल मनप्रीत बादल की कर लईए तां मनप्रीत बादल ने जिथे टिकट मिलन उत्ते हाईकमान का धन्नवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, तां उथे ही मरहूम साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं भी याद करदे नजर आए, की कुछ किया आओ सुनदे आं। मैनूं भारतीय जनता पार्टी ने गिदड़वा तो नामजद किया और मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और तमाम क्यादत का प्रधानमंत्री मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, इस गल का मैं बड़ा धन्यवादी है, उन्होंने मैं शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू इस काबिल समझिया और मैनू गिदड़वा की टिकट नाल नवाजिया, और मैं इस थोड़े कैमरे के अखा के जरिए उन्होंने अपनी लीडरशिप न और खास करके जी गिदड़वादी जनता है जिन्होंने वोटा पाणी है उन्होंने इस गल का वादा विश्वास भरोसा यकीन तसली इतबार दवानी चाहवागा कि जिन्हों आसा नाल मैनू नामजद किया मेरी हर मुमकिन कोशिश होएगी कि मैं उन्होंने आसा तो मैं पूरा उतर सकता। परमात्मा की मदद का गिदड़वा के लोगों की मदद का मैं तलबगार है। बस 95 च भी इस तरह ही संघर्ष लड़ चुके बना जी, वह हूं कि फर्क लग रहा तुम जी लड़ाई का देखे तो सब उदो भी सरकार ना ही मुकाबला सी, सरकार ना ही मुकाबला सी, पर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की गैर हाजिरी जी है वह महसूस होंगी है। बादल साहब जी पिछलियां रह गई कमियां कोई गिदड़वा 15 साल रहे हो तुम कि वह दूर कर सकोगे? पहली गल तो लोगों की कोई नाराजगी नहीं है और बेताशा जेड़े गिदड़वा दे काम होए, बादल साहब मुख्यमंत्री से मैं खजाने का मंत्री से, जो एक सरकार की हैसियत ते औकात होंदी है उस हैसियत दे और औकात दे मुताबिक इत्थे काम होए। बहरहाल जेड़ा पिछले 15 साल का गैप पे है क्योंकि हुण साडी खुशकिस्मती है कि जेड़ी इस वेले हिंदुस्तान की सरकार है वो बीजेपी दे बड़े मजबूत हत्थां च है, तो मैनू तो सगों की इस गल का चा है कि जे बीजेपी गिदड़वा तो कामयाब हुंदी है तो पंजाब दे लोकां नू अगले 2 साल एक नमूना पेश कर सकते हैं
कि पंजाब ऐसा भी हो सकता है जे बीजेपी के हाथ लग जाए तो यह जहाँ पंजाब भी बन सकता है, वह गिदड़वा बना के दस। थैंक यू सर। तो हुण देखना यह होगा कि दोवां ही दिग्गजां दे वल्लों जित दा दावा किया जा रहा है। इत्थों तक कि जेकर गल डिंपी ढिल्लों दी कर ली जावे तो जित दा दावा उन्हां दे वल्लों भी किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता धिर दे उम्मीदवार ने डिंपी ढिल्लों ने तो इत्थों तक आख दिता कि जिमनी चोणा अक्सर ही सत्ता धिर जितती है और इस बार भी जित पक्की है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि गिदड़बाह तो आखिरकार बाजी मारदा कौन है, क्योंकि सिर्फ ये तीन मुख चेहरे नहीं हैं, इस तो इलावा होर मुख चेहरे भी मैदान दे विच नितरणगे, अजे अकाली दल दे वल्लों पत्ते खोलने बाकी ने। सो कह सकते हैं गिदड़बाह की सीट अपने आप दे विच हॉट सीट बन चुकी है। नतीजे तय करनगे कि लोग किस दे हक दे विच फतवा दिंदे ने। जो भी अपडेट्स होणगे तुहाडे नाल सांझा करदा रहांगे। तुसी देश विदेश की ताज़ा जानकारी दे लई देखते रहो टीवी पंजाब।